गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बेटा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के बारे में हम पढ़ेंगे और ये क्या है। अ प्राइवेट कंपनी कैन कमेंस इट्स बिजनेस इमीडिएटली आफ्टर कमेंसमेंट, बट अ पब्लिक कंपनी कैन नॉट कमेंस अंटिल इट ऑब्टेन्स अ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बेटा एक प्राइवेट कंपनी इन कॉरपोरेशन के सर्टिफिकेट के बाद से ही बिजनेस को कमेंस कर सकती है, बिजनेस को शुरू कर सकती है। लेकिन एक जो पब्लिक कंपनी है बेटा, उसे इन कॉरपोरेशन के बाद भी बिजनेस को कमेंस करने के लिए कमेंसमेंट से रिलेटेड सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। अ पब्लिक कंपनी हैज टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 11 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 टू ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। एक पब्लिक कंपनी को बेटा सेक्शन 11 जो हमारा है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कमेंसमेंट से रिलेटेड सर्टिफिकेट लेने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज को सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग पूरा करना पड़ता है। अब बेटा पब्लिक कंपनी को कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट लेने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग जो फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, उसमें फॉर्मेलिटी नंबर फर्स्ट है इन केस ऑफ कंपनी इशूइंग प्रोस्पेक्टस। जब कंपनी जो है प्रोस्पेक्टस को इशू करती है वो केस कौन सा है बेटा? इसमें एक पब्लिक कंपनी जो शेयर कैपिटल को इशू करती है उसे प्रोस्पेक्टस को इशू करना पड़ता है। अब बेटा पब्लिक कंपनी जो शेयर कैपिटल को इशू कर रही है वो आम लोगों को इनवाइट करने के लिए प्रोस्पेक्टस इशू करती है, तो प्रोस्पेक्टस को इशू करने के लिए जो जो फॉर्मेलिटीज यहाँ पर हमें पूरी करनी है उन फॉर्मेलिटीज में कैसे फॉर्मेलिटीज को हमने पूरा करना है बेटा? अ पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल एंड विच इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब इट शेयर्स एंड डिबेंचर कैन नॉट स्टार्ट एनी ऑफ इट्स बिजनेस अंटिल इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। अब इन फॉलोइंग कंडीशन को पूरा करना है और वो कंडीशन क्या क्या है? अ कंपनी मस्ट रिसीव द अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन विद इन 4 months, दैट इज 120 days। बेटा एक कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट जो है 4 महीने के अंदर मिल जाना चाहिए। ये 4 महीने जो 120 days होते हैं उन दिनों के रूप में ये मिल जाना चाहिए। कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ इशूइंग ऑफ द प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के इशू की डेट के 4 महीने के अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट मिल जाना चाहिए। सेकंड, एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैज पेड टू इट और वैल्यू ऑफ ईच शेयर टेकन और कॉन्ट्रीब्यूटेड टू बी टेकन बाय हिम फॉर विच ही इज लाइबल टू कैश। बेटा यहाँ जो भी एवरी डायरेक्टर है हमारा कंपनी का, जिसने वो पैसा पे किया है शेयर को लेने के लिए, उस पैसे को देने के लिए भी वो लायबल होगा। वो पैसा जो उसने दिया है वो कैश की फॉर्म में होगा, लायबल जो है कैश की फॉर्म में होगा, या सेम प्रोपोर्शन एज इज रिसीव्ड ऑन
एप्लीकेशन, या तो उसने कैश दिया है या सेम प्रपोर्शन एप्लीकेशन के टाइम पीरियड में उसे रिसीव हो जाएगा। एंड अलॉटमेंट फ्रॉम अदर शेयर होल्डर्स या अदर लेवल के शेयर होल्डर्स को वो अलॉट किया जाता है। इसका मतलब डायरेक्टर्स ने जो पैसा पे किया है शेयर को लेने के लिए वो कैश वाली फॉर्म में भी हमें मिल सकता है या दूसरी फॉर्म में भी हमें मिल सकता है। उसके बाद देयर हैज बीन फिल्ड विद रजिस्ट्रार अ ड्यूली वेरीफाइड डिक्लेरेशन बाय वन ऑफ द डायरेक्टर्स आर सेक्रेटरी दैट कंडीशन वन एंड टू हैव बीन कंपाइल्ड विद। अब बेटा यहाँ पर हमारे रजिस्ट्रार ने भी इस बात का वेरिफिकेशन लेवल का डिक्लेरेशन करना है, यहाँ वेरीफाई करना है, घोषणा करनी है कि यहाँ तक की जो फॉर्मेलिटी नंबर वन थी और फॉर्मेलिटी नंबर जो हमारी टू थी वो यहाँ तक की हमारी पूरी हो गई है, तो इस बात की भी घोषणा की जाएगी। तो ये बेटा तीन केसेस थे। कौन सा केस? इन केस ऑफ कंपनी इशूइंग प्रोस्पेक्टस, जब कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करना है तो इन तीन फॉर्मेलिटीज को हमने टाइमली पूरा करना है। अब बेटा एक सेकंड केस है, इन केस ऑफ कंपनी नॉट इशूइंग द प्रोस्पेक्टस। अब बेटा कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया तो उसने कौन सी फॉर्मेलिटी को पूरा करना है? इफ अ पब्लिक कंपनी हैज नॉट इशूड टू द पब्लिक अ प्रोस्पेक्टस देन टू ऑब्टेन द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इट हैज टू फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन। ऐसी कंडीशन में उसे कुछ फॉर्मेलिटीज को पूरा करना है क्योंकि उसने प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया। अब क्या क्या फॉर्मेलिटी उसने पूरी करनी है? अ स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस हैज बीन प्रेजेंटेड टू रजिस्ट्रार। अब बेटा प्रोस्पेक्टस तो इशू किया नहीं गया, अब रजिस्ट्रार को प्रोस्पेक्टस के बजाय एक स्टेटमेंट जो है पेश करनी है। रजिस्ट्रार को प्रोस्पेक्टस के बजाय स्टेटमेंट प्रेजेंट करनी है। दूसरा, ये सेम पॉइंट ऊपर वाला है सेकंड और थर्ड, क्या? एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैज पेड टू इट फॉर द शेयर टेकन आर कॉन्ट्रैक्टेड टू बी टेकन बाय हिम फॉर विच ही इज लायबल टू पे इन कैश द सेम प्रपोर्शन एज इज रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बाय द शेयर होल्डर्स। अब बेटा यहाँ पर जो भी डायरेक्टर ने शेयर लिया है और उसकी जो पेमेंट की है वो कैश वाली फॉर्म में भी होगी या जो है बेटा किसी एप्लीकेशन के जरिए अलॉट किया है उसका भी प्रपोर्शन हो सकता है जो हमने यहाँ रिसीव किया है, या बेटा शेयर होल्डर्स को भी कुछ हमने अलॉट किया है वो सारा कुछ हमने पे कर दिया है, वो हमने यहाँ पर पे कर दिया है। ये सेकंड पॉइंट बेटा बिल्कुल ऊपर वाले पॉइंट का सेम पॉइंट है। उसके बाद बेटा थर्ड पॉइंट भी बिल्कुल सेम है, वो क्या है? देयर हैज बीन फाइल्ड विद रजिस्ट्रार अ ड्यूली वेरीफाइड डिक्लेरेशन बाय वन ऑफ द डायरेक्टर्स और सेक्रेटरी दैट कंडीशन नंबर वन एंड टू हैव बीन कंपाइल्ड विद। यहाँ पर भी बेटा हमारे डायरेक्टर ने या सेक्रेटरी ने इस बात की घोषणा करनी है कि फॉर्मेलिटी नंबर वन भी पूरी कर दी गई है और फॉर्मेलिटी नंबर टू भी पूरी कर दी गई है। इसके बाद बेटा आफ्टर फुलफिलिंग ऑल द फॉर्मेलिटीज द रजिस्ट्रार विल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। बेटा यहाँ तक कि सारी फॉर्मेलिटीज के पूरा हो जाने के बाद जब रजिस्ट्रार
सारी फॉर्मेलिटीज को चेक कर लेगा तो बेटा उस कंपनी को कमेंसमेंट से रिलेटेड बिजनेस करने का सर्टिफिकेट दे देगा। तो आज के टॉपिक में बेटा हमने क्या पढ़ा है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का मीनिंग पढ़ा है और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के दो केसेस पढ़े हैं, क्या इन केस ऑफ कंपनी इशूइंग प्रोस्पेक्टस, जब कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है वो केस, और दूसरा इन केस ऑफ कंपनी नॉट इशूइंग द प्रोस्पेक्टस, जब कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती। अब इन फॉर्मेलिटीज को जब पूरा कर लेंगे रजिस्ट्रार उन्हें चेक कर लेगा, कंपनी को कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का, बिजनेस को शुरू करने का सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। थैंक यू बेटा।